फिर ये आंदोलन का बदनाम करने का काम कौन कर रहा है सर? सरकार। सरकार तो कहती है हम किसान के ही साथ हैं। चलो कोई बात नहीं, साथ है तो भाई टेंट लग रहे जी। हाँ। तो फिर क्या लगता है जो जिस तरीके का अभी जो तमाम चीज़ जो अभी जो चल रहा है और आप भी लगातार सक्रिय हैं मतलब तमाम चीज़ को लेकर के, तो क्या लगता है ये कब तक चलता रहेगा सर? ये सर संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। बता तो दिया, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत के लिए तैयार है। समाधान का कोई और छोर नहीं दिख रहा ना? दिखना भी नहीं चाहिए। जिससे आप समाधान की उम्मीद लगा रहे हैं वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ लगा लो। तो ऐसे में समाधान कब तक आएगा? हो जाएगा। कितना लंबा? एक आध साल में हो जाएगा, मतलब एक दिवाली पार उसके बाद। हाँ हो जाएगा। अच्छा आपने तो ये जो अभी ये भी बताए थे जो यहाँ पर कपड़ा हमने कुछ साफ सफाई के लिए ही खोले, वो खोल ले ना, देखो साफ सफाई होने लग रही। अच्छा ट्रैक्टर ट्रोली लग गई। अच्छा, मान ले जो दिवाली के चलते आपने साफ सफाई का। हाँ हाँ और क्या, कहीं के कर रहे अब साफ दिख रहा है भाई, यहाँ से दिल्ली भी दिखे है, यहाँ से यूपी भी दिखे है। अच्छा दिख रही है ना, देखो आप दिल्ली दिख रही है, तो पर्दा क्यों लगा हुआ? अच्छा, किसानों की ओर से जो वकील थे टिकैत जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने के लिए बैठे थे किसान, रामलीला मैदान में उन्हें जाने दिया जाए तो वो उठ जाएंगे। जाने तो दिया उस टाइम पे जब आए तो हम वहाँ के लिए आए थे, रामलीला के लिए आए थे, ये कहा उन्होंने। अच्छा राकेश जी, अगर बैरिकेडिंग हटा दिया जाता तो आप लोग? अरे हटा दो ना पहले, जब गागे की बात जब बताओगे ना पहले हटवा दो। आप कहाँ गए थे? आप दिखाते नहीं खाली यहाँ कल मीडिया में बहुत दिखाया जा रहा था। अरे भाई सोशल मीडिया कहाँ गया था? तो सोशल मीडिया ही तो मुकाबला करा ना उनका। हाँ चलो हट जाओ भाई। चलिए बहुत शुक्रिया। सरकार और किसान के बीच दंगल कराया जाएगा? दंगल होके तो मान लेंगे, ऐसे का मान रहे हैं। कब होंगे दंगल? वो खट्टर जिस दिन कह देगा, खट्टर कह रहा था लठ ले लो हाथ में, तो किसान तैयारी कर रहा है। लठ भी तो तैयारी करके लिया जाता ना, ये दंगल से तैयार होंगे पट्टे, दंगल से तैयार होंगे पट्टे निकलेंगे, पीछे पट्टे तो दिख रहे हैं। हाँ ये देख रहे हो दाढ़ी वाले बाबा को देख रहे हो? ये दिल्ली वाले दाढ़ी वाले उसे बागड़ बिल्ले को अपटकेगा। बागड़ बिल्ला है कौन है बताइए पहले? दो बागड़ बिल्ले दिल्ली में, कौन नाम बताइए? दाढ़ी वाला मोदी। हाँ हाँ। और तड़ी पार वो गेंडा। कौन सा? कौन का जन्मदिन? तड़ी पार अमित शाह। अच्छा वो दो बागड़ बिल्ले संवैधानिक पद पर वो है, आप उसको तड़ी पार क्यों? हमारी वोट से है वो, क्या अपने बाबा से रजिस्ट्री करवा के लाया था, हमने वोट दी थी, संवाददिक पद पर पहुंच गया, दिमाग खराब हो गया, आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए आप ही ने पहुंचा और आप ही वो मतलब उनको तरीके तरीके के नाम दे रहे हैं। अरे हमें क्या पता चोर निकलेंगे? अच्छा हमें क्या पता मदारी है, नेता नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा। इनकी दुकान केवल झूठ पे टिकी हुई है, झूठ पे। एक दो झूठ बता दीजिए। झूठ एक आध सच आप बता दीजिए। पहला झूठ 15 लाख, दूसरा झूठ 2 करोड़ नौकरी, तीसरा झूठ बुलेट ट्रेन एक इंजन न खरीदा गया तक, तीसरा झूठ स्मार्ट सिटी, ये हर दिन एक झूठ बोलते हैं हर मलिक दिन जी। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि चप्पल वालों को भी हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, तो बैठा दिया ना एयर कुशीनगर में। हाँ बैठा दिया कुशीनगर। हाँ। में नहीं बैठा दिया, अब वो ये कहेगा कि भाइयों बहनों जहाज हमारे हाथ में ही नहीं है, क्या करें। अच्छा ये वो नकारे हैं जो प्रॉपर्टी बेच के 65 साल की सरकार की और अपना देश चला रहे हैं। अच्छा, मलिक जी वो तो कहते हैं जो भी हम काम करें वो जनता के हित में काम कर रहे, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा बेचना जनता का हित है? जनता की संपत्ति को बेचना जनता का हित है? और पैसे भी हमारे बैंक से लोन दिवा दे, फिर ज्यादा कर्जा हो जाए तो वो करा दे, माफ करा देता है, ये कौन सा हित है भाई? वो गणित हमें भी समझा दे। अच्छा शर्म नहीं इनको झूठ बोलते हुए, सरकार सुधर जाओ, देश जाग गया है। कल ही वैक्सीन का रिकॉर्ड तोड़ा, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जताया है कि बहुत अच्छा काम किया, ये 100 करोड़ पूरे हो गए। जब वैक्सीन पर ना बन पाई ना तो ग्लूकोज मिला कर इंजेक्शन लगा दिए, इतनी सी दवाई मैं भी लगवा कर। मलिक जी थोड़ी बाहर थोड़ी बाहर लगी, थोड़ी वैक्सीन लिया? एक ली थी, जब तक मैं समझता ये वैक्सीन है। अच्छा अब पता चला ढोंगा ग्लूकोज मिला कर लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने बता रहे आप ग्लूकोज मिला कर लगा रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ जो जनता जो उनका वैक्सीन लिया है कहीं कहीं विश्वास पे ही नहीं लिया है? अरे विश्वास पे क्यों, ट्रेन में जब हम मांगे, रेल जहाज में जब हम मांगे, सर्टिफिकेट मांगे, उससे हो क्या रहा? चलिए जय मलिक जी, खेल के बारे में बताइए, जिस तरीके का आयोजन आप लोगों ने किया है। ये कबड्डी है और ये हमारा नेशनल खेल है देश का, कुश्ती और कबड्डी। उसके मैं पट्टे ना, ये हॉकी इन्होंने बना दिया, पहले कुश्ती था। हाँ। और ये तैयार हो रहे हैं पट्टे, देखो 70 साल का पट्टा, 80 साल का पट्टा, 90 साल का पट्टा। मलिक जी मैं आपसे ये चीज समझने की कोशिश करूंगा, ये जो अभी जो हाथ ऊपर करके पकड़ के एकदम ताऊजी सब एकदम खड़े हुए हैं वो क्या है?
ये शुरुआत है। हाँ ये इनका इंट्रोडक्शन हो रहा। अच्छा ये प्लेयर से? हाँ ये है प्लेयर, ये तो मारेंगे सरकार को। अच्छा ये प्लेयर यही मारेंगे सरकार को। अरे दूसरे तो मार देंगे पड़ोसी की सरकार। इनकी तो रिटायरमेंट की एज से भी ज्यादा। नहीं 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 ये रिटायरमेंट, ये खेत में काम करते हैं, यही तो दिखाना के खेत में काम करो 90 साल का भी तुम जैसे एसी वाले बागड़ बिल्लों से ज्यादा मजबूत है। सरकार इसे भी रिटायरमेंट दे देती है और आप कहाँ कुश्ती लड़वा रहे हैं। अरे इनकी जरूरत है ना कुश्ती की, क्या है रिटायरमेंट तो इनकी ओर के लिए। अब ये मारे वाला 70 का हो जाएगा ये इस बार, तो क्या ये भी रिटायरमेंट लेगा जो इसमें फिर पर्चा भरेगा बड़े वाला? किसकी बात कर रहे हैं? दुर्योधन बड़े वाला। कौन कौन नाम क्या बता? नरेंद्र मोदी। अच्छा नरेंद्र जी, वो तो 75 के हो रहे हैं। हाँ तो वो फिर वो की नहीं हो रहा रिटायर, वो और के लिए कानून है इसके लिए ना, फिर भरेगा पर्चा। भाइयों बहनों एक बार मौका और दे दो। अब क्या दे देंगे मौका से? गांव में को आजा वोट मांगना बताऊंगे। गांव से फोन आवे चाची ताई नु कह रही है कि ट्रैक्टर की 4 सर्विस होली 20 लीटर धरा, ये भाजपा के नेता फेंकना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन और भी कई सारे लोग हैं जो, लेकिन जय मलिक जी जो नेता हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है। नेता नहीं है वे, लेता है, लेता केवल लेते हैं। महंगाई उनको दिखती नहीं, अंधे हैं क्या? 100 का बिक रहा तेल, 250 का बिक रहा सरसों का तेल, महंगाई नहीं है? महंगाई इनके लिए नहीं, क्योंकि इनके पास तो हराम का धन आया हुआ। एक बार इधर का रुख करिए।